إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं हूं कारी अमीर हमजा. आप लोग देख रहे हैं हाफिज इस्लामिक यूट्यूब चैनल. आज हम इस वीडियो के अंदर वो चीज़ें बताने के लिए आए हैं जो चीज़ें आपने हमारी वीडियो में देखी तिलावत के अंदर. जिस तरह वो तिलावत चल रही थी, हमने जिस तरह बनाई है, वो हम इस वीडियो के अंदर आपको बना के दिखाएंगे. आपसे छोटी सी गुजारिश है, सिर्फ छोटी सी गुजारिश है, वीडियो पूरी देखनी है हमारे लिए कोई मसला नहीं है. आप नहीं देखेंगे हमें नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपको होगा. आप इतना टाइम देख निकाल के वीडियो हमारी देख रहे हैं तो आपको मसला होगा. कहीं से आप वीडियो कट करके देखेंगे ना, मसला आपके लिए बनेगा. तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और समझें वीडियो को. तो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें मैं सिखाई भी हैं, सिखा भी रहा हूँ. और साथ क्या है, डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें हम उस वीडियो के अंदर ऐड कर रहे हैं वो भी मौजूद है इसमें, ठीक है. तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर जाके वो सारी चीज़ें वीडियो एडिटिंग करना और सारी चीज़ें बनाना और कहाँ से लेनी है कहाँ से नहीं लेनी वो आपको बताते हैं. चलें मोबाइल की स्क्रीन पर. हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर. मैं यहाँ से डेटा ऑन करता हूँ. तो अभी हम जाएँगे क्रोम पर. यहाँ से हमने वीडियो सेलेक्ट करनी है जो बैकग्राउंड में हमने लगानी है. पर हाल मेरे पास तो है बैकग्राउंड में, तो ये तो थोड़े से खुले हुए थे, चलो इनको रिमूव करके. तो वो बैकग्राउंड हमने लेना है जो वीडियो के अंदर हमने लगाना है तिलावत में. आपने यहाँ में गूगल पे आना है, यहाँ पे सर्च करना है आपने इस्लामिक वीडियो बैकग्राउंड. क्या सेलेक्ट करना है, इस्लामिक वीडियो बैकग्राउंड. मेरे पास ये है. तो आप जैसे ही आएंगे ना तो यहाँ से आपको मिल जाएंगी वो सारी वेबसाइट. तो आप किसी के ऊपर भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं. उसके बाद हमने बैक आना है. उसके बाद हमने यहाँ पे quran.com हमने लिखना है. यहाँ पे सर्च करना है quran.com. मेरे पास ये ऊपर आ चुका है. यहाँ पर ना बहुत अहम चीज़ है जो सीखने वाली है, आपने उसके ऊपर तवज्जो देनी है इस वीडियो में, इस ऐप के अंदर, इस वेबसाइट के अंदर. जो चीज़ मैं आपको बताऊँ ना उसके ऊपर आपने तवज्जो फुल तवज्जो करनी, फिर आपको समझ आएगी. वरना आपने थोड़े से भी कोई जगह से आपने आप वीडियो आगे पीछे कर दी ना, फिर आपके लिए मसला बन जाएगा. इस वेबसाइट पर आपने फुल तवज्जो करनी है, तवज्जो करके आपने देखना है कि मैं कौन सी चीज़ कहाँ से ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ. तो उसके बाद आपने बाईं तरफ ये तीन लाइन देख रहे हैं ना, आप इनके ऊपर क्लिक करना है. इनके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ से इसके ऊपर हम सेलेक्ट करते हैं. इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं आपको आप अभी बताता हूँ. उसके बाद हमने सूरत लेनी है, सूरत कौसर हमने लेनी है. उसके बाद हमने सूरत कौसर के ऊपर आ जाना है. तो मेरे पास ये है सूरत कौसर, ये आ चुकी है हमारे पास. अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है. उसके ऊपर आपने ये ऊपर देख रहे हैं ये सेटिंग का ऑप्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है. उसके बाद ये आप ट्रांसलेट आप देख रहे हैं ना, इसके साथ वाले पे यहाँ पे आपने क्लिक करना है. अब बैक आ जाना है. आपने यहाँ पे आपने सफ़ा नंबर देखना है. सफ़ा नंबर मैं जूम करके शायद हो जाए तो फिर आप ये सफ़ा नंबर आपको नीचे दिखेगा. पेज 602 है. हम बैक जाते हैं. फिर हमने यहाँ से फिर हमने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, फिर ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करना है, फिर हमने बैक आ जाना है. हमने यहाँ पर आने के बाद जो है ना हमने यहाँ पर ये कॉपी करनी है आयातें. हमने यहाँ पे आयात कॉपी कर लेनी है. इन्ना आतीना कल कौसर, उसके बाद इसका तर्जमा इंग्लिश वो हमने सेलेक्ट करना है. यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है. हम कैन मास्टर के अंदर आ चुके हैं. उसके बाद जो है ना हमने यहाँ से वीडियो सेलेक्ट करनी है जो हमने बैकग्राउंड में लगानी है. तो मैं जो बैकग्राउंड के अंदर जो वीडियो लगानी है मैंने ये लगानी है.
तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो सेलेक्ट करने के बाद इसकी आवाज़ जो है ना रिमूव कर लेनी है, बंद कर देनी है। तो बंद करने के बाद जो है ना हमने फिर यहाँ से ऑडियो सेलेक्ट करनी है। ये ऑडियो को ऊपर ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ऑडियो के ऊपर क्लिक करनी है। फिर सॉन्ग के ऊपर आपने जाना है, यहाँ से आपको ऑडियो मिल जाएगी। तो यहाँ से आप ऑडियो ले लेंगे। तो ये मेरी कुछ थोड़ी सी ऑडियो कुछ ज़्यादा है, मैंने कट करनी है। मैंने यहाँ से ऑडियो कट कर ली है। उसके ऊपर आपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। तो आपने नीचे आ जाना है, ये इसको आपने ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद फिर हमने थोड़ा सा बैक आ जाना है। इसको थोड़ा सा आप ये इस तरह भी कर सकते हैं ताकि आपकी जो आयात जो है ना वो आपको नज़र भी आ जाए सही तरीके से। बहरहाल मेरे लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद हमने फिर लेयर के ऊपर आना है, फिर सर्च बार के ऊपर आना है। जो हमने वहाँ से कॉपी की थी ना हमने वो लेनी है आयातें। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। उसके बाद जो है ना ये वैसे खाना तो मैं इसको रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे आने के बाद मैं आपको फिर दिखाता हूँ, ये आपको इस तरह नज़र आएगा। उसके बाद प्रोफेशनल जो है ना वो मैं आपको दिखाऊँगा। इस लेयर को आप खींच लें। मैं इस लेयर को यहाँ से खींच लेता हूँ यहाँ पर। ये जहाँ तक ऑडियो है ना हमने वहाँ तक, ये बाकी वीडियो ये सारी चीज़ें डिलीट करते हैं। यहाँ से मैं कैंची के ऊपर आना है, यहाँ से हमने रिमूव कर ली। फिर इसको ऊपर आना है, फिर इसको हमने रिमूव कर लेना है। तो अब इस आयात के ऊपर हमने लेयर जो थी आयात वाली उसके ऊपर उसके बाद फॉन्ट के ऊपर आना है। यहाँ पे भी एक चीज़ नोट करनी है, यहाँ पे एक चीज़ सीखने की है, बहुत अहम है। यहाँ से सिर्फ बिल्कुल वीडियो नहीं छोड़नी आपने। माई फॉन्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने आ जाना है इस लेयर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हमने जहाँ पे हमारे फॉन्ट होंगे वहाँ पर आ जाना है हमने। ये फॉन्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, मैंने वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। कॉल करके व्हाट्सएप के ऊपर आके मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ आपको ज़रूरत हो वहीं से आप मुझे बता दें। काम नहीं कर रही पहली तो बात है, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, फिर भी आपको वहाँ पे काम नहीं कर रही तो फिर व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएँ फिर इंशाल्लाह। फिर हमने वहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको समझी थी कि मैंने कहा कि पेज नंबर आपने देख लें, नंबर वो जो मैंने आपको बताया थे ना ये देख लें, बहुत अहम है। वही नंबर हमने यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं, वही हमारे फ़ोन है यहाँ पे। वो कौन से नंबर थे, 602 थे, 602 नंबर था वहाँ पे। ये आ चुका है, मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ये सेलेक्ट हो गया हमारा। उसके ऊपर हमने आ जाना है, अब यहाँ पे क्लिक करना है। ये हमारी आयात आपके सामने नज़र आपको आ रही होगी। अब और काम करना है, तवज्जो करें वीडियो के ऊपर। उसके बाद बैकग्राउंड जो लेयर होती है उसको हमने खींचना है ये इस तरह, ठीक है। इसको ऊपर रखते हैं, बैक आना है। बैक आने के बाद इसको थोड़ा सा खींच लें ऐसे, तो इसको दरमियान में रख लें। तो मैं यहाँ पे दरमियान में रख देता हूँ इसको। जैसे हम इसको दरमियान में रखेंगे उसके बाद ये जिस लेयर को हम खींच रहे थे ना इसको हमने डुप्लीकेट करनी है। यहाँ से डुप्लीकेट कर ली। अब इस डुप्लीकेट को हमने थोड़ा सा नीचे करना है, ये डबल थी। अब यहाँ से एक को हमने क्या करना है, रिमूव करना है। वो अब जो है ना इंग्लिश तर्जमा यहाँ पे देना है एक जगह। यहाँ पे भी आपने आपको मसला आएगा, वो भी मैं आपको हल करके दिखाता हूँ, ठीक है। जब आप इंग्लिश तर्जमा आप सिलेक्ट करेंगे आपके सामने इस तरह आएगा। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे। उसके बाद फॉन्ट के ऊपर आना है, इसके ऊपर ऊपर वाले जो फॉन्ट है उसके ऊपर चले जाना है। नीचे आ जाए ये वाले फॉन्ट, इसको अब आप क्लिक करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद एडिट पर हमने दोबारा यहाँ पे आना है, इसको यहाँ से बना लेना है। तो बनाने के बाद फिर मैं इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा इस तरह। तो इसका जो नीचे बैकग्राउंड है मैं वो ख़त्म कर देता हूँ, ये हो गया,
ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसको छोटा करके यहाँ पे, ठीक है ये यहाँ पे आ गई। उसके बाद हम इसको चला के देखते हैं हमारी आयात के मुताबिक जो है ना ये बन जाए, तो उसके बाद दूसरी आयात लगाते हैं। यहाँ से हमने फिर कैंची को ऊपर आना है, इस लेयर के ऊपर हमने क्लिक करना है, ये नीचे आखिर आखिर वाली इसको ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फिर दोबारा आयात वाली लेयर इसको हमने कट करना है यहाँ से, फिर हमने बैक आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद अब जो ये थी ना आयात, हमने फिर एडिट के ऊपर जाना है, इसको हमने क्या करना है रिमूव कर देना है, ये नीचे जो थे हमने कॉपी की हुई थी आयात और तर्जमा, इसको हमने रिमूव करके फिर हमने वही Quran.com के ऊपर आना है, ऐप के ऊपर। यहाँ से हमने फिर फसल ले ली रब्बी का मनहर, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है इसको कॉपी, फिर नीचे वाली आयात कॉपी कर लेंगे, ठीक है ये आयात कॉपी होगी। उसके बाद हमने तर्जमा इंग्लिश इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, इसको कॉपी कर लें, फिर नीचे वाले को भी क्या करना है कॉपी करना है, यहाँ पे कॉपी करके फिर हम कैन मास्टर के में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने वो आयतें ले लेनी है, आप डबल भी लगा सकते हैं तो अलग अलग भी लगा सकते हैं आयतें, जैसे आपको खूबसूरत लगे, ठीक है। फसल ले लिया रबी का हर इन नशान या को लब तक, यहाँ पर इसको लेने के बाद, ठीक है उसके बाद नीचे वाली लेयर के ऊपर हमने क्लिक करना है, ठीक है फिर इसको हमने रिमूव करना है, इस तर्जुमे को हमने जो पहले वाले थे हमने उन्हें सेलेक्ट करना है यहाँ से, फिर ये वाले, ठीक है बैक आना है। तो हमने यहाँ से इसको इस तरह डबल कर लेते हैं ताकि नीचे हमारे जब लगाएं जिस तरह आप देख रहे हैं ये इस तरह खूबसूरत बन जाए, ठीक है। अब इसको चला के हम देखते हैं कि वहाँ तक हमारी जा रही है या नहीं। ठीक है यहाँ से इन नशानिया कबूल अबतर तक आ चुके हैं। उसके बाद अभी हमने क्या करना है, फिर हमने लेयर के ऊपर जाना है, आपका जो लोगो बना हो फिर आपने दाईं तरफ वो लोगो, मैं यहाँ से लोगो लेता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ वो कैसे लगाना है। जैसे कि मेरा नाम लिखा हुआ है कारी अमीर हमज़ा, तो हमने इसको यहाँ पर ऊपर लगा देना है, इस लेयर को हमने फिर पूरा खींचना है, ठीक है यहाँ तक ले आएंगे इसको। यहाँ पर लेने के बाद अब हम सूरत का नाम, अब सूरत का जो अब हमारे सूरत को सारे नाम ने इसको कहाँ से लेना है, हमने ये भी एक ख्याल करना है वो कहाँ से लेनी है सूरत का नाम, गूगल से भी मिल जाते हैं, मैं तो उर्दू ये एक ऐप है उसी के ऊपर जाता हूँ, वहाँ पे सर्च करता हूँ, वहाँ पे HD फुल HD मुझे मिल जाती है, तो आप वहीं से भी उसका ऐप उस वो ऐप मैं नीचे दे दूँगा, तो गूगल से भी आपको मिल जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप कहेंगे फिर आपको समझ नहीं आएगी, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना मैं उसके ऊपर तफसीली वीडियो बना के आपको बता दूँगा। हमने सूरत का नाम डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आपने लेयर के ऊपर आना है, मीडिया के ऊपर आना है, यहाँ से हम सूरत का नाम सेलेक्ट करते हैं, ये आ चुकी है हमारी सूरत, तो इसको हम जस्ट इस तरह से बना के हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है यहाँ पर दरमियान में आप इस तरह क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा जो है ना रोशनी जो है ना वो हमने कम करनी है ताकि ये हमें सही तरीके से नज़र आए, ठीक है यहाँ पर हमने रख देना है इसको। उसके बाद लेयर के ऊपर हमने आना है, इसको खींच लें ऐसे यहाँ तक, यहाँ पर आ जाना है आपने, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप लोग अपनी वीडियो बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। कोई फिर भी आपको कोई ऐसा मसला आ रहा है इस वीडियो में समझ नहीं आई, तो फिर आप अच्छे तरीके से वीडियो देखें,
कोई आदमी भाई वीडियो पूरी नहीं देखता तो फिर हमें तंग करता है। उससे पहले मैं आपको ये कहूँगा, वीडियो अच्छे तरीके से देख लें, मुकम्मल वीडियो देखें, अच्छे तरीके से देखें, फिर आप बार बार ना खुद आप परेशान हों और ना हमें परेशान करें। सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर बता दी हैं। फिर जो चीज़ें आपको मालूम नहीं है, मालूम करना चाहते हैं, तो फिर व्हाट्सएप पर आ जाएं, फिर इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। जो फ़ॉन्ट है तो उसका जो है ना फ़ॉन्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, फिर भी वहाँ से आपको नहीं मिल रहे, फिर आप मुझसे रब्ता करें व्हाट्सएप पर, इंशाल्लाह आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी चीज़ आपको ज़रूरत हो मुझसे रब्ता करें व्हाट्सएप पर, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई भी मिलेगा और सारी चीज़ें भी वहाँ से आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई अच्छा सा, मेहनत हमने जो की है आपको समझाया, कोई अच्छा सा प्यारा सा कोई कमेंट करके हमें बता दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकअल्लाह।